नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए अब उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो पूरी तरह से गर्मा चुकी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन शिलान्यास का कार्यक्रम जो है वो चल ही रहा है। ऐसे में अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश में विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव भी लगातार जिस तरह से अपनी बातों से योगी को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव एक से बढ़कर एक ट्वीट कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं। आपको जैसा कि पता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति जो है वो पूरे देश की राजनीति को तय करती है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा अगर कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति जो बनती है उससे देश की तकदीर और तस्वीर बदलती है। इस वक्त हम जिस खबर की चर्चा करने जा रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ा है। दरअसल हम आपको बता दें कि आज एक रैली के दौरान, कार्यक्रम के दौरान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को, भूमाफियाओं को खुले चुनौती दे दी है। जी हां, उन्होंने ट्वीट किया है और उसके नीचे एक वीडियो भी है जो इस वक्त आप मेरे पीछे मेरे सिस्टम पर देख रहे होंगे। क्या कुछ लिखते हैं योगी आदित्यनाथ, उसके बाद हम आपको वो वीडियो भी सुनवाएंगे, दिखाएंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुली चुनौती दी है। जी हां, हम आपको बता दें कि आज लिखा है योगी आदित्यनाथ ने, लिखा है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं है कि वह किसी गरीब, किसी व्यापारी या किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। देखिए, आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज यानी कि जो एक आक्रामक अंदाज होता है उसके लिए जाने जाते हैं, और ऐसे में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुली चुनौती दे दी है कि अपराध को लेकर कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी तरह से उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब हम आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जो आज कार्यक्रम के दौरान और खास करके आज ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ ने दिया है। क्या है वो बयान, आप भी सुन लीजिए। मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके, और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने भरे मन से ललकार भर दी है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल और धीरे धीरे किस दिशा में जाता है और आगे और क्या कुछ हमें और आपको देखने को मिलता है। नजर बनाइए रहे क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। नमस्कार। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।